गादी लौंदी शहीद रहमत लाला ने पैदर पे ओदे सिर दे अंदर ओदे पेड़ दे अंदर खंजर दे वार कीते ओदियां सारियां पेड़ दियां आंटा वारे आ गईयां ओदा पेट गादी लौंदी ने फाड़ दिता ओदा पेट फाड़ के गादी लौंदी ओदे ते हमला कर दे रहे नौजवानों दे नौकर चाकर दौड़े कहन लगे साडे खतरी ने कमुसला मार गया गादी लौंदी बड़े आराम नाल बाहर निकले ओदे सीने ते चढ़ के फरमान लगे जालिमा जे तू वक्त दा यजीद बन गया है ना हुसैन दा नौकर बन के आ गया मां लगे बाजी रात मैं लेटे आओ मेरे ख्वाब च बड़ा उच्चे लंबे कद दा नौजवान आया मैनू आके कहन लगा गावी उठ मैं तेनों वेखने आया मैं अर्ज की दी लजपाला तुसी कौन हो फरमाया मैं अल्लाह दा नबी मूसा अलैहि सलाम मैं अर्ज की दी लजपाला तुसी अल्लाह दे नबी हो मैं तरखाना दा पुत्तर हाँ मैनू मिलन क्यों आए हो एक आशिक दा जिक्र करना जिन्हें नबी दी इज्जत ते पहरेदारी की थी गादी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह आशिकां दा पेशवा तरखाना दा पुत्र 1901 ईस्वी दे अंदर लाहौर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा एह दीवाना पैदा होया मां दा नाम चिराग बीबी बाप दा नाम तालेमंद वड्डे भाई दा नाम मुहम्मद दीन ते जदों इह पैदा होया ते मां ने नाम रख्या इल्मुद्दीन तकरीर शुरू हो गई हुण सुभान अल्लाह शुरू फरमा दिओ सारे भाई मां ने नाम रख्या इल्मुद्दीन बाप तरखाना दा काम करदा सी ते अंग्रेज हुकूमत दे अंदर बहुत बड़ा ठेकेदार सी हुकूमती लेवल ते बाप ठेके लैके ते लकड़ी दा काम करदा सी गिरामी कदर हजरात अनारकली बाजार दे बाहर इन्हां दे बाप दी लकड़ी दी दुकान सी मां ने ते बाप ने स्कूल दाखिल कराया पर गादी इल्मुद्दीन स्कूल नहीं पढ़ रहे मदरसे दाखिल कराया मदरसे नहीं पढ़ते मस्जिद च भेजदे ने नाज़रा कुरान भी नहीं पढ़िया वड्डे भाई ने एक दिन बाप दे कोल बैठ के आख्या अबू जी ये पढ़ता नहीं तो किधरे आवारा ना हो जाए तेनों तरखाना दा कम ना सिखाइए बाप ने वड्डे पुत्र मुहम्मद दीन दी ड्यूटी लगाई कि तू इनू कम सिखा मुहम्मद दीन दे नाल जाना ते कम सिखदे रहे कम सिखदे रहे नौजवानों का दिलो दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह जड़ वेले बाप दी दुकान ते बैठे ने ओ थोड़ा लैके लकड़ी ते किल ठोक दे ने जड़े वेले हथौड़ा किल दे उते ते आवाज आंदी है ठक 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 उत्थे आवाज आई ठक ठक करन वाले आ तेन मैं अपने यार दा इंज दा दीवाना बनाना कयामत तक आशकां दे सीने च ठक ठक करदा रहवे मलक मुमताज कादरी होवे जेड़ा भी आशिक आवेगा गादी इल्मुद्दीन लकीर दा फकीर ही बनना पवेगा ओ जड़ी लकीर गादी इल्मुद्दीन बना के देके गया सारे आशकां उस लकीर दा फकीर बनना पवेगा तरखाना दा काम पे सिख दे बाप नु कोहाट दे रेलवे स्टेशन दा ठेका मिल गया बाप ने सोचा कि होवे ना ते गादी इल्मुद्दीन नु नाल लै जावां गादी इल्मुद्दीन नु बाप नाल लै गया कि मैं इनु नाले कोहाट करीब रखांगा नाले आवारे गर्दी नहीं करेगा ते नाले मेरे ना काम सिख लवेगा बाप बड़े सगीर च बड़ा मशहूर सी अपने फन दा माहिर सी गिरामी कदर हजरात गादी इल्मुद्दीन इधर जवानी चढ़ रहे थे बाप नाल कोहार दे रेलवे स्टेशन ते चले गए कम सिख रहे जोहर दी नमाज दा वेला है नमाजी सी नमाज पढ़न वास्ते कोहार दी रेलवे स्टेशन च गए जोहर दी नमाज दा वेला गादी इल्मुद्दीन फरमाते ने कि मैं मस्जिद दे सेहने च नमाज पे पढ़दा ते मस्जिद दे कमरे च किसे दे रोन दी आवाज पई आवे और रोन वाला बड़े दर्द नाल रो रहे गादी इल्मुद्दीन फरमाते ने मैं सुनया बाबा कोई रो के पे आया खुदा सजदे जरो के कहंदा कमली वाली आ
कदे मैं जवान होता तेरे बदले लै लैंदा कमली वाली आ मेरा जवान पुत्र कोई आंदा मैं तेरिया जुल्फा तुम्हारी ते कुर्बान कर देंदा। पापा रो के कहन लगा मां दाग देना ना बालिया ना बडेरा हो गया लता तू मजूरा सोनिया मैं तेरी बार गज माफी पे मांगना वा कमली वाली आ माफी दे दे जे मैं जवान होता मैं तेरे बदले लै लैंदा। कादी लदीन फरमा दे मैं तड़प गया दौड़ के कमरे च जाके बाबे नु जफा मार लिया। कादी फरमान लगे ओ रोना वाले रोना क्यों है बाबा पुछदा पुत्र तू कौन है फरमाया मेरा नाम इलमदीन है मैं लाहौर दे तरखाना दा पुत्र हां लाहौर दा नाम सुन के बाबा तड़प गया कहन लगा तेनु की दसाऊं लाहौर दे एक खत्री ने मेरे नबी दी बेअदबी ते गुस्ताखी च किताब लिखी है मैं रो के माफिया पिया मंगना कमली वाले माफी दे दे कदे जवान हुंदा तेरे अदब नु बेअदब नु मार देंदा सुनया तेरे गुस्ताख नु मार दा पुत्र भी जवान कोई नहीं मैं नहीं बड़े रह हो गया। कादी लाउंदी ने कहंदा इंज लगया जिवें मेरे सीने ते किसे इश्क दा ठप्पा लगाया है। कादी लाउंदी ने बाबे नु सीने लगा लिया फरमान लगे बाबा रोना तेरा कम मैं कर देवांगा मैनू पता चल गया तेरे जरिए मैनू पैगाम पहुंचाया गया है जा बाबा आज तू कुछ महीने बाद तेनू खबर मिलेगी लाहौर दे कतरखाना दा पुत्र मुहम्मद कुर्बान हो गया जिंदाबाद। अज तो कुछ महीने बाद तेनु खबर मिलेगी तरखाना दे का पुत्र मुहम्मद तो कुर्बान हो गया। गाजी लमदीन फरमाद ने चंद दिन गुजरे इधर लाहौर गाजी लमदीन का एक भतीजा मुहम्मद दीन के घर पैदा होया तो वह फौत हो गया। खबर मिली खत पहुंचया कि जितनी जल्दी होंगे लाहौर पहुंच। गादी लमदीन लाहौर पहुंचे ना पहले पैदाइश का खत मिलिया ते पहुंचे ते जद लाहौर पहुंचे ते भतीजा फौत हो गया। जनाजे का वेला ते गादी लमदीन उदा जनाजा उठा के ना लाहौर अनाल करी बाजार चो गुजरते आप फरमाते ने मैं गुजरिया ते एक होर जनाजा भी बाजार चो गुजरिया ते उदे नाल हजारां लोग ने ते सारे ते रोंदे ने। गाजी लमदीन बड़ा हैरान हो कि बाबे ने पूछ दे ये जनाजा किधर है ये रोन वाले हो सारे ही पे रोंदे हो ते ये जड़ा मरे है ये सारे अंदर रिश्तेदार से एक बाबा रोंदा कहन लगा कि एक किसी का भी रिश्तेदार नहीं सी ते आखिर रोंदे क्यों उन्हें आखिर ये साडे मोहल्ले की मस्जिद का इमाम सी इहदा नाम सी बाबा मौलवी ताजदीन ते बड़ा ही आशिक रसूल सी पिछली सदी च हजारां लोग आए ते लखां चले गए पर नाम किन्ना दे जिंदा ने ओ जिन्ना इश्क रसूल दे दीवे वाले ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਾਡੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਇਮਾਮ ਮੌਲਵੀ ਤਾਜਦੀਨ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਰੋਨੇ ਆ ਆਸ਼ਕੇ ਰਸੂਲ ਟੁਰ ਗਿਆ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੇ ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਏ ਆਸ਼ਕੇ ਰਸੂਲ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਗਾਦੀ ਲੰਦੀਨ ਉੱਥੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਖਲੋਤੇ ਮਦੀਨੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ लोग एक्सीडेंट नाल भी मर जाते हैं लोग बीमारियां नाल भी मर जाते हैं कमली वाले लोग रोज मरते रहते हैं पर सुने मरना तो एवं का मरना है लोग आखन मुहम्मद दीवाना मर गया है। अर्ज कर दे कमली वाले मैनू एवें दी मौत देवी मेरा जनाजा टुरे लोग आखन मुहम्मद आशिक का जनाजा पिया जाता सुभान अल्लाह। गाजी लमदीन ने फिर मदीने वाल मुंह किया
असि भी करिए भाई गल करिए वाली तुम बोले ही नहीं सुभान अल्लाह अल्लाह करे मेरी मिल्लत दे नौजवानां नूं जवानी दा रंग चढ़ जाए मेरी मिल्लत दे नौजवानों गादी लंदीने मदीने वालों करके आख्या आवेगा ए सबज गुंबद वाले मंजूर सदा करना सबज गुंबद वाले मंजूर सदा हाथ खड़े करके मेरे नाल मदीने वाले दीवार गज सारे अपना अपना रीजा पेश कर लो भाई सारे इंज करके हाथ खड़े कर लो अखियां बंद कर लो नाले पेश कर दो सबज गुंबद वाले मंजूर सदा करना सबज वाले मंजूर सदा करना जब वक्त नजाए दीदार अदा करना जब वक्त नजाए गिरामी कदर हजरात गादी लमदी रात नु आके ना जनाजा पढ़ के घर लेटे गर्मिया दी शाम दा वेला ते गाजी लमदीन ते एदा वड्डा भाई मोहम्मद दीन ना ऊपर छत ते लेटे गाजी लमदीन अपने भाई नु पुछदा मोहम्मद दीन भाई जान ए जेड़ा अजकल बड़े मैं देख रहा बाजारां च जुलूस पे निकलदे ने की वजह लोग हुकूमत के खिलाफ आजकल इतने जुलूस क्यों निकाल रहे हैं मोहम्मद दीन कहने लगा इलम दीन तेनों नहीं पता आख्या मैनू नहीं पता आख्या एक बेअदब ते गुस्ताख खत्री सिख उन्हें नबी करीम अलैहिस्सलाम दी गुस्ताखी च किताब छापी है मुसलमान जुलूस निकाल रहे थे अंग्रेज हुकूमत नु कह रहे ने कि वो किताब नु जब्त किया जाए ते उहदे मुसन्निफ नु और उहदे नाशिर नु गिरफ्तार किया जाए हिंदू ते अंग्रेज मिल गए ने ते मुसलमाना दे खिलाफ हो गए ने ना कोई नु गिरफ्तार कर रहे ते ना किताब ते पाबंदी लग रही है मुसलमान एहतजाज कर रहे ने अपने महबूब दी इज्जत नमूस दी खातिर गाजी लमदीन अपने वाडे भाई नु कहन लगे के भाई जान जेड़ा उस खतरी नु मार देवे तो नु कतल करे उनु कोई इनाम शाम भी मिलेगा ते मोहम्मद दीन बोल के कह लगा इनाम क्यों मिलना है अंग्रेज ते हिंदुआ दी हुकूमत ते इनाम क्यों मिलना उनु फांसी दी सजा ही मिलनी है ते गादी दिलम दीन मुस्कुरा के फरमान लगे भाई जान जे कमली वाले पीछे फांसी मिल जाए तो होर की चाहिए है जे यार पीछे फांसी मिल जाए मैं नो इंज पढ़िया करना जे यार दे नादा मिले मैं ना चोली पालिए थले सुतिए ना जे यार दे ना दा मिले मैं ना चोली पालिए थले सुतिए ना जे यार दे ना दी मिले सूली झूठा ले लिए पिछा हटिए ना गाजी लमदीन कहन लगे जी यार पीछे फांसी लब जाए तो होर भी की चाहिए नौजवानों गाजी लमदीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह रात नु लेटे आ फरमाद ने अद्धी रात रात ढली ते बड़ा खूबसूरत जिहा बाबा मेरे ख्वाब च आया ते बाबा आके ना ते पैर दी ठोकर मार के कहन लगा इलम दीना तू सुता है ते लोग तेरे नबी दी बेअदबी करदे ने ते तू सुता है उठ नबी दा बदला ले
गाजी लमदीन फरमाते ने मेरी अख खुली ते मैं दाएं बाएं वेख्या कोई बाबा नजर ही ना आया। मैं समझ गया कि ड्यूटी मेरी लग गई, मेरी ड्यूटी लग गई। गाजी लमदीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह दा एक बचपन दा यार सी लंगोटिया। गाजी लमदीन सुबह सुबह उठे ते ओदे घर चले गए, दरवाजा खड़काया, उन्होंने लैके ना बार गली च थड़े ते सुबह सुबह बैठ गए। लोग अपने काम काज ते बच्चे स्कूल जा रहे ते गाजी लमदीन अपने यार को बैठ के फरमान लगे, यार मैं ना एक तेरे नाल गल शेयर करना चाहना। आख्या की उन्हें आख्या एक मैं भी करनी है। आख्या तू पहले अपनी सुना। गाजी लमदीन कहने ने राती मैं एक ख्वाब वेख्या। ते यार कहने लगा मैं भी वेख्या। गाजी कहने लगा पहले तू अपना ख्वाब सुना। वो यार कहने लगा नहीं पहले तू सुना। गाजी लमदीन कहने लगा यार मैं राती ख्वाब विच एक बाबा वेख्या ते बाबा मैनू कहंदा उठ अपने नबी दा बदला लै। यार दा नाम सी अब्दुल रशीद ते लोग उन्हें चीदा कहंदे सन चीदा। वो चीदा बोल के कहन लगा इलमदीना आ ख्वाब ते राती मैं वेख्या बाबा ते मैनू मिलिया ते तुसी सुभान अल्लाह घर जाके बोलो मैनू जोंदा जागदा मजमा दिओ मैं तकरीर करनी है। स्टेज वाले उच्चा बोलिया करो, तुसी फ्रंट सीट दे बैठे हो भाई होर उच्चा हाथ से चौके बोलो सुभान अल्लाह। उन्होंने पीछे कराया इस गल का गुस्सा कर गए। छीदा कहन लगा राती ख्वाब च मैं बाबा वेख्या तो बाबे मैनू आख्या इलमदीन उन्हों खतरी नू मार। इलमदीन आखे मैं मारना है। छीदा आखे मैं मारना है। इलमदीन आखे बाबा मैनू कह के गया। छीदा आखे मैनू कह के गया। यार होवे ते इंजदा होवे जेड़ा तेनू सिगरेट कोलों पिलावे तेरा यार ते नहीं, जेड़ा तेनू नशे ते लगावे तेरा यार ते नहीं, उते तेरा दुश्मन है ना। ओ जेड़ा तेनू तेरे बाप दी बेअदबी ते उकसावे कि आखे तेरा बाप तेरे नाल बड़ी ज्यादती करदा तेनू छिड़का मारदा है, तू भी अबे दे सामने बोलिया कर वेखी नहीं ओ तेरा यार ते नहीं ना। यार ते होवे जदों मस्जिद च अजान होवे तेरा हाथ फड़ के आखे आ यार नमाज पढ़न चलिए। यार ओ होंदा जेड़ा तेरा दामन पकड़ के या तेनू मस्जिद च लै जाए या मदीने लै जाए। असल तेरा यार होवे। याद रखियो मेरी मिल्लत दे नौजवानों बुजुर्ग फरमाते ने औरतां च बैठेगा ते तेरे च औरतां वालियां आदतां पैदा हो जाणगियां। मकर सीख जाएगा, फरेब सीखेगा। बादशाहां च बैठेगा ते तेरे च तकबर ते गुरूर आवेगा। दौलतमंदां विच बैठेगा ते तेरे हसद आवेगा। फकीरां च बैठेगा ते तेरे च आजजी आवेगी। पढ़े लिखे लोगों च आवेगा तो आलिम कहलावेगा। वलियां च बवेगा तो वली कहलावेगा। बच्चों च बैठेगा तेरे च बच्चों वाली आदत पैदा हो जाएगी। बहादुर लोगों च बैठेगा बहादुर बनेगा। बुजदिल लोगों च बैठेगा तेरे च बुजदिली आ जाएगी। सूफिया फरमाते ने जिदे कोल बैठना है सोहबते ताले तुरा ताले कुनद, सोहबते साले तुरा साले कुनद। चंग्यां दी सोहबत चंगा ते मंदियां दी मंदा कर देंदी है ते तू बैठे चंग्यां च कर। तू बैठ ही चंगे ताकि तू चंगा ही हो जाए। मौला अली फरमाते ने इंसान अपने दोस्तों तो पहचाने आ जाता है। जिवें दे दोस्त होंगे उवें दा ही होगा। ते तो दोस्त ही चंगे बना रहे। पहले दोस्त चुन के दोस्त किवें दे बनाने ने। मंदा दोस्त ही छोड़ दे। एक सैकेंड ना लगाओ मंदे दोस्त नूं छोड़न च, बिल्कुल छोड़ दिओ। ओ यार ढूंढ के बनाओ जेड़ा नमाजी होवे, जेड़ा नेक होवे, जेड़ा साले होवे। वलियां च बैठ, बुजुर्गां च बैठ ताकि तेरे च वलियां वालियां सिफतां पैदा हो जाए। बंदा शराबियां च बैठा होवे शराब ना भी पीवे लोग कहंदे ने शराबी है, ते बैठा वलियां च होवे वली ना भी होवे लोग कहंदे ने वली है। तो बैठ ही चंगियां विच आई दोस्ती दा मियाद है। बैठ चंगिया विच किसी अंग्रेज मुफक्किर ने आख्या सी तू अपने दोस्त मैनू दिखा दे मैं तेनू दस देवगा तू किवें दा। क्योंकि इंसान अपने दोस्त वर्गा होंदा है, लिहाजा चुन के दोस्त बनाया करो जेड़ा नमाजी होवे नेक होवे साले होवे तेनू ताकि ओह नेकी दा हुक्म करे तेनू नेकी वल लैके जावे। सब तो पहले अपने दोस्त तब्दील करो, अगर बुरे ने तो दोस्त तब्दील करके अच्छे दोस्त बनाओ। गाजी लमदीन का जरा यार सी ना वो छीदा सी ते छीदा पांच वक्त का नमाजी सी। छीदा आखे नबी का बदला मैं लेना है ते गाजी लमदीन आखे मैं लेना।
कह लगे परचियां पा लेने हैं। एक परची ते इलमदीन दा नाम ते एक दे छीदे दा नाम लिखिया, उन्होंने मिला के ते कुरानदाजी करन लई परची सटी। बच्चा स्कूल पे जावे गाजी इलमदीन, बच्चे नूं कहन लगे परची चुक। उन्हें परची उठाई ते खोली तो ते गाजी इलमदीन दा नाम लिखिया। छीदा मुकर गया, कहन लगा ए परचियां फिर पैन गया। दूसरी बारी कुरानदाजी की थी, बच्चे नूं आख्या परची उठा, उन्हें दोबारा उठाई ते नाम फिर गाजी इलमदीन दा निकल आया। छीदा फिर मुकर गया, कहन लगा परचियां फिर पैन गया। तीसरी बारी कुरान दादी कीती गई ते ना फिर गादी इलमदीन दा निकल आया। छीदे दी तमन्ना ऐसी, काश कमली वाले कदे मैनू कबूल कर लवे। आ जवानो, जड़े वेले तीसरी बारी गादी इलमदीन दा ना निकलिया, छीदे दीआं चीखां निकल गईआं। उठ के गादी इलमदीन दा मत्था चुमिआ, चमक के कहन लगा जा इलमदीन, जाके मुहम्मद बेअदब नूं मार दे। जे तू भज गयो मैं सारी जिंदगी गुलामी करांगा, जे मर गयो कयामत तक मेरी नस्ल तेरी कब्र ते झाड़ू देंदी रवे। अज भी गादी इलमदीन दी कब्र ते जड़े झाड़ू फेरदे ने उसे छीदे दी औलाद च। छीदे दी नस्ल च यार होवे ते इंज दा हो, यार आवे ते इंज दा होवे। गादी इलमदीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह दा हौसला वधाया, छीदे यार ने। मेरी मिल्लत दे नौजवानो, हुण गादी इलमदीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने पक्का इरादा कर लिया, मैं नबी दा बदला लैणा ही लैणा। गादी इलमदीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने जिस दिन पक्का इरादा कर लिया ना, उस दिन आपने अपनी अम्मी कोल बैठ के ना, ते दोपहर वेले घर आए ना, ते अम्मी नूं कहण लगे अम्मी जी मैनूं थोड़े जिहे पैसे ते दिओ। मां चिराग बीबी कहती है मैं हैरान हो गई कि इन्हें कदे पैसे मंगे ही नहीं। गादी इलमदीन उत्ते जिन्हें सब तो ज्यादा सर्च की है ना, उदा नाम है राय कमाल, राय मुहम्मद कमाल। एक बड़ा अच्छा सहाफी भी सी, उन्हें गादी इलमदीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह दी सीरत उत्ते जिहड़ी किताब लिखी ना, उस किताब दे विचों मैं चंद सफहात आप अहबाब नूं अज सुना रहा। गादी इलमदीन दी तारीख उत्ते जितनियां किताबां लिखियां गईआं उन्हां सारे ने इस्तिफादा राय मुहम्मद कमाल तो कीता है। मैं राय मुहम्मद कमाल दी रिवायत तुहानूं सुना रहा। राय मुहम्मद कमाल लिखता है कि दोपहर वेले गादी इलमदीन घर आए तो अम्मी नूं आख्या मैनूं पैसे दिओ। मां कहती है इन्हें कदे पैसे मंगे ही नहीं, अज क्यों? अज मंग लेने ते खाली ना भेजा। मां ने एक रुपया दिता, 1929 ईस्वी, एक रुपया दिता। अठ दिन हो सन, मामू की बेटी फातिमा नाल मंगनी हुई सी, चढ़दी जवानी सी। गाजी इलमदीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने अम्मी को एक रुपया लिया ते आत्मा राम कबाड़िए की दुकान ते गए। उदे कोल एक पुराना जिहा खंजर खरीदिया, उन्हों जंग लग चुकिया सी, उन्हों घर लिया के ना ते खंजर नूं साफ किया, उन्हों लपेट के रख दिता। मुहम्मद दीन जिहड़ा वड्डा भाई उहदी बीवी इकबाल बीबी दी भाभी सी, ते अपनी भाभी नूं कहण लगा भाभी मैनूं चावल पका के दिओ, अज मेरा दिल करदा मैं चावल खावां। भाभी ने चावल पका के दिते, ते चावलों ते देसी घ्यो इस तरह करके भाभी पान लगी, ते गादी इलमदीन ने उस घ्यो वाले बर्तन इंज हाथ लगाया तो वह घ्यो ज्यादा डुल गया। भाभी ने गुस्से नाल वेख्या ते भाभी वाल वेख के कहन लगी भाभी अज खा लैन दे ना, अस अगू मंगने ने ते ना तू किसी नूं खवाने ने। इकबाल बीबी, वह भाभी का प्यार बड़ा सी गाजी इलमदीन नाल, देवर दे नाल। पर आ जिहड़ी गल कीती भाभी, कहिंदी मेरे दिल ते चोट लगी कि गाजी ने जिद्दी गल क्यों कीती। गाजी इलमदीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने उस दिन अपने सारे दोस्तों नूं मिले, अबू दी दुकान ते गए, ते जाके अबू जी नूं सीने ला के बड़ी देर तक रोंदे रहे। वड्डे भाई नूं मिले, अपने यारां ते दोस्तों नूं किसे पेंसिल दा तोहफा दिता, किसे नूं कोई तोहफा दिता, किसे नूं कोई तोहफा दिता, उह सारा दिन इसे गल च गुजार दिता। जिहड़े वेले मगरिब दी अज़ान दा वेला होया ना, ते गाजी इलमदीन टुरे टुरे ते खंजर लिया ते दाता साहब दे दरबार ते आ गए। ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗਾਜ਼ੀ ਲਮਦੀ ਨੇ ਦਾਤਾ ਪੀਆ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਤਹੱਜੁਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਗਾਜ਼ੀ ਲਮਦੀ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹ ਅਲੈਹ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਅਨਮਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਗਏ, ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਾਤਾ ਪੀਆ ਲਜਪਾਲਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਵਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਅਲੀ ਦਾ ਆਪ ਵੀ ਅਲੀ ਹੈ,
तेरा ना अली हो जवेरी है। अर्द कर दे लजपाला मैं विलायत दी मोर नहीं लवानाया, मैनो मुहम्मद इश्क दी मोर ला दे। गादी पता नहीं करे दर्द नाल रे, फरमा देने सहरी दा वेला इंज लगे जिवें मेरे सीने ते किसी ने हाथ मारे आए। नाले दाता पिया दी कबर च आवाज आई, जा तेनो मुहम्मद इश्क दी मोर ला दित्ती। गादी लमदीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने मैं अजीब मस्ती जो थो निकलिया फजर दी नमाज जामे मस्जिद वजीर खां विच पड़ी। तवज्जो है सारे दी, मेरा दिल करदा मैं तुहानू ना एक चक्कर हजरत मियां मुहम्मद बख्श दे दरबार दा लगवा के लिया। चलो तुसी नहीं बोले फिर कदे सही इंशाअल्लाह। मैं जूंदे जागदे बंदे नाल गल करनी उच्चा, सुभान अल्लाह हाथ चुके बोलो। अज फरिश्ते झुक झुक के वेखन किथे मुहम्मद दे आशिक दा तज़किरा पिया हुंदा, किथे सुनी सुभान अल्लाह पिया आखदे ने। आर वे घड़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने इश्क जिन्ना दी भाई, इश्क जिन्ना दी हड्डी रचिया कने ना दे डोरे भाई, गैरों दी गल ओ नहीं सुन दे कने ना दे डोरे। इश्क करम दा, इश्क करम दा अजली कतरा इक ना लब दिया हथ ना आया बे, इक ना दे बिच राही इक ना लब दिया हथ ना आया बे, ते इक ना दे बिच राही। इश्क करम दा अदली कतरा तै मैं दे वस नाही, इक ना लब दे हाथ ना आवे ते इक ना दे विच राही। चुन ले जांदे ने जिन्हां नूं मुहम्मद दा इश्क अता कीता जांदा, इह लब्भन नाल नहीं मिलदा, इह सरकार दी निगाह च कबूलियत होवे ते फिर मिलदा। गाजी लमदीन ने जामिया मस्जिद वजीर खां विच फजर दी नमाज पढ़ी, ते नमाज पढ़ के ना ते मस्जिद दे वाशरूम च जाके ते आपने अपने कन्ना विच आप ही सुराख कर ले ते कन्न छेद ले ते कन्ना च वालियां पा लिया। हिंदुआ वाला भेस बटा लिया कि मैं हिंदुआ दे मुहल्ले चलिया को मुसलमान समझ के मैनू रोक के ना, कई कई भेस बटाए असा तेरे मिलने लिए। दर्जा बाज नहीं सीने च छेक पैंदे, दर्दां बाज नहीं सीने च छेक पैंदे, ते छेकां बाज नहीं मोती परोए जांदे। ये दर्दां दे किस्से ते मर्दां दे हिस्से, हाय ये सारे दे हिस्से नहीं, ये दर्दां दे किस्से ते मर्दां दे हिस्से। गाजी लमदीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह जामिया मस्जिद वजीर खान चो निकले, टुरे टुरे ते राजपाल खत्री दी दुकान ते गए, उहदी किताबां दी दुकान सी। सुबह सुबह आप जाके ना ते राजपाल खत्री दी दुकान दे बाहर बैठ गए, ते सामने चाय वाला खोखा सी उथे जाके बैठ गए। उह जिहड़ा चाय दे खोखे वाला मालिक सी उहदे कोल बार बार चाय पींदे जांदे ने, ते फरमांदे ने इत्थे राजपाल दी दुकान किहड़ी, उहने दस्सिया कि उह सामने दुकान है। दुकान अज बंद सी, गाजी लमदीन ने पूछा किन्ने बजे खुलेगी, उन्हें आख्या जो नौकर चाकर सुबह आके दुकान खोलते हैं 9 बजे। पूछा राजपाल किन्ने बजे आंदे, कह लगा कि वो तकरीबन 11 बजे आएगा।
गादी लमदी उस चाय के खोखे वाले फरमान लगे कि जो राजपाल आवे तो मैं बस दस देवी कि आ राजपाल है, मैंने वह तारुफ करवा दे। गादी लमदीन उस चाय के खोखे वाले को बैठे रहे बैठे रहे थे, आप नाले चाय बार बार पींदे रहे, बहाना बना के बैठे रहे। जो ही 11 बजे ना थे एक कार आके रुकी तो चो मोटा जा काला जा राजपाल खतरी निकलिया ना, तो चाय के खोखे वाला कहें कि मैं उस नौजवान आख्या कि ओ राजपाल है। उस खोखे वाले का बयान वो कहता कि मैं हैरान हो गया कि मैं जो आखिया ना ओ राजपाल है, तो वह जो नौजवान बैठा से ना मेरे को मैं पता ही नहीं लगा कि वे राजपाल तक पहुंच गए। इस चुस्ती के नाल गादी लमदीन दौड़ के गए। गादी लमदीन ने बस जाके ते मुहम्मद की कछार का शेर गरजिया ना, तो आपने बस उन्होंने इन्ना ही आख्या ओए मेरे नबी की तुहीन तू की है। वो डर गया दौड़न लगा पर मोटापा ज्यादा सी, गादी लमदीन उन्होंने दौड़न नहीं दिता। गादी लमदीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने पैदर पे उहदे सिर दे अंदर उहदे पेर दे अंदर खंजर दे वार कीते, उहदियां सारियां पेट दियां आंटा वारे आ गईयां, उहदा पेट गादी लमदीन ने फाड़ दिता, उहदा पेट फाड़ के गादी लमदीन उहदे ते हमला करदे रहे। नौजवानों दे नौकर जाकर दौड़े कहन लगे साडे खतरी ने कमूसला मार गया। गादी लमदीन बड़े आराम नाल बाहर निकले, उहदे सीने ते चढ़ के फरमान लगे जालिमा जे तू वक्त दा यजीद बन गया है ना हुसैन दा नौकर बन के आ गया, मैं भी हुसैन दा नौकर बन के आ गया। सामने लकड़ियां दा कटाल सी ते उत्थे नलका लग्या सी, गादी लमदीन उस नलके ते जाके ना अपना खंजर पे धोंदे ने साफ करदे ने। उधर लोग जमा हो रहे के कतल हो गया जी, खतरी कतल हो गया, खतरी राजपाल नु कोई मर गया। ते गादी लमदीन खंजर धो रहे अपने कपड़े साफ कर रहे, बिल्कुल बेध्यानी च, कोई डर नहीं कोई खौफ नहीं। सुभान अल्लाह। एक नौजवान पिया गुजरे ओदा नाम सी नथू, हिंदुआ ते ओदे खतरिया ने सारे ने उस नथू नू पकड़ लिया, इन्हें मारे। ओ रोवे ते कुरलावे, ओ झल्ला जिया सी, ओ कहन लगा मैं नहीं मारिया मैं नहीं मारिया। इधर गादी लमदीन फरमांदे ने कि मैनूं खंजर धोंदिया ख्याल आया किधरे लांती बच ना गया होवे, फिर मारन आए। तुसीं बोले ही नहीं सुभान अल्लाह यार। गादी लमदीन ने वेख्या ना ने नथू नू पकड़ लिया है, नथू दा दामन छुड़ा के कहन लगे नू छड़ दियो, इन्हे नहीं मारिया मैं मारिया। एक थानेदार दौड़दा लगा आ रहा, कह लगा मुड़िया दौड़ी ना। गादी लाउंदी ने कहन लगे थानेदार आराम ना ले आ, असा दुनियादारा नाल सौदे नहीं कीते रब दे यार नाल कीते। असी दौड़न वाले नहीं हां, तू आराम ना ला। बाबा बुल्ले शाह दी रूह तड़प गई। बेमुर्शदा चुप रवे जिदा मुर्शद अली, ओ बोला बंदा बोले सुभान अल्लाह, हाथ चौके बोलो सुभान अल्लाह। बाबा बुल्ले शाह ने तैया फरमाया, आप फरमा देने इश्क करदा सदा अपनी मर्जी दे कम नयरा वे खदा इश्क करदा सदा अपनी मर्जी दे कम नायरा वेखदा ना कुरा वेखदा, ए जिथे चावे चुका देवे आसिक दा सर काबा ते ना करबला वे खदा। सुभान अल्लाह। जिंदाबाद 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 लबैक या रसूल अल्लाह, लबैक 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 नौजवानों। गादी लमदीन जदों फिर गिरफ्तार होए ना, पूरे बर्रे सगीर पाको हिंद दे अंदर शोर मच गए, अखबारों दे अंदर खबर आ गई कि लाहौर दे कतरखाना दे पुत्र गादी लमदीन ने मुहम्मद अरबी दे बेदब नूं मार दिता है।
मुसलमान भी जुलूस निकाल रहे थे, हिंदू भी जुलूस निकाल रहे। हिंदू आख्या सा बदला लेना है ते मुसलमान ना आख्या असा बचाना। हिंदू अमीर लोग सन, मुसलमान उदो गरीब सन। ओना भी दौलत जमा कर ली ते मुसलमाना भी दौलत जमा कर ली। मुसलमाना दे सारे जितने साडे असलाफ सन सारे जमा हो गए। सब नु इकट्ठा किया मेरे सियालकोट दा कलंदर ते लाहौर दा दरवेश मुसव्वर पाकिस्तान अलामा मुहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने, हजरत सैयदी हजरत पीर सैयद दीदार अली शाह साहब मुहद्दिसे अलवरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हजरत पीर जमात अली शाह साहब मुहद्दिसे अलीपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह चूरा शरीफ दे खलीफा, उस दौर के तमाम जय्यद उलमा मशाइख सियासतदान सारे इकट्ठे हो गए। पूरे बड़े सगीर के अंदर शोर मच गए, जिमें गाजी मलक मुमताज कादरी दीवारी बाबा जी खादम हुसैन रिजवी उठे, इंज उस दौर के बाबे सारे उठे। गाजी लमदीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह नूं फिर मिलन वास्ते सारे बुजुर्ग ते असलाफ ते सारी आवाम उमड़ के लाहौर आ गई। जेड़ा भी मिलन जावे गाजी लमदीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह उन्हों अजीब अजीब गल्लां सुनावां लुत्फ वालियां मजे वालियां, जेड़ा जावे उहदे कोल उठिया ही ना जावे। गाजी इलमदीन का मुकदमा जो शुरू होया ना तो गाजी इलमदीन रहमतुल्लाह अलैह की वकालत वास्ते पहले कुछ हिंदू वकील किए गए बड़े बड़े, मगर आखिर फैसला के किया गया कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमाना च एक ही बड़ा वकील है जिहड़ा नवा नवा बारट ला करके आया, नौजवान है, उहदा नाम है मुहम्मद अली जनाह। अलामा मुहम्मद इकबाल ने रातों रात खत लिखा कि कायद आजम मुहम्मद अली जनाह जितनी जल्दी मुमकिन होंदा दिल्ली तो लाहौर पहुंचो, असा एक नबी का दीवाना बचाना है। ट्रेन की टिकट नाल भेजी तो ट्रेन से बैठ के कायद आदम मुहम्मद अली जनाह सुबह सुबह लाहौर पहुँच गए। तो कायद आदम मुहम्मद अली जनाह हजरत पीर सैयद दीदार अली शाह साहब मुहद्दिस अलवरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हजरत मौलाना मुस्लिम दीए रहमतुल्लाह ताला अलैह, साढ़े मुसलमाना के उस दौर के जो असलाफ सन उस सारे इकट्ठे होकर गाजी लमदीन जेल च मिलन गए। कायद आजम मुहम्मद अली जनाह उस वे नवा नवा बारट ला करके आप इंग्लैंड तो तशरीफ ले आए ना, जदों आप अपना वकालतनामा लैके जेल के अंदर गाजी लमदीन को गए तो गाजी ने विखा के कहने लगे कि इस वे हिंदुस्तान का मैं मुसलमाना का सब तो बड़ा वकील हाँ, मैं तेरा वकील मुकर्र हो गया तो यह दस्तखत कर दे वकालतनामे कि मैं तेरा वकील हाँ, मैं तेनों बचा लेना है तो फिक्र नहीं करनी। कायद आजम ने मुहम्मद अली जनाह ने ना गाजी लमदीन फरमा लगे हजूर मैनू करना की पवेगा। कायद आजम मुहम्मद अली जनाह कह लगे गाजी लमदीना तू बस एक बारी कह दे तू नहीं मारिया, तेनू ना बचावा तो मेरा नाम मुहम्मद अली जनाह नहीं। गाजी तड़प के फरमान लगे हयाती च एक ही तो काम चजदा किया मुकर गया मेरे पल्ले की रह जाए, मैं मुकर जावा कि मैं नहीं मारिया नवी दबे तो मैं मारिया। बहरहाल कायद आजम मुहम्मद अली जनाह की वकालतनामे उत्ते दस्तखत गाजी इलमदीन ने कर दिते, आख्या कि तुसी मेरे वकील हो। नौजवान कायद आजम मुहम्मद अली जनाह ने फिर गाजी इलमदीन का मुकदमा लड़िया ते हक अदा कर दिता। अज भी उस किताबां दे अंदर वो तफसील वो कागजी कार्रवाई वो अदालती कार्रवाई अज भी किताबों के अंदर मौजूद है। कायद आजम मुहम्मद अली जनाह ने अपने सबूतों की रोशनी के अंदर साबित कर दिता कि गाजी इलमदीन ने नहीं मारिया, साबित कर दिता। ग्रामी कदर हजरात जो हलफिया बयान लैन का आखिरी वेला है ना, जो फैसले का वेला तो जज ने गाजी लमदीन पुछया किन्ने मारिया, तो गाजी लमदीन तड़प के फरमान लगे मैं मारिया। कायदे आजम के सारे दलाल धरे रह गए। जज ने गाजी लमदीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह सजाए मौत दे दी, फांसी की सजा दी। गाजी लमदीन ने जब खबर की गई तेन सजाए मौत हुई तो मुस्कुरा के फरमान लगे तो आज पता लग गया, मैं परसों का ख्वाब एक बाबा दस गया, तैयारी कर ले हजूर तेरा इंतजार पे कर। नौजवानों फांसी की सजा हुई तो एहतजाज शुरू हो गए कि असा नबी का दीवाना बचाना है, असा नहीं फांसी लगन देना। अंग्रेज हुकूमत ने सोचा कि अगर लाहौर च गाजी लमदीन रखा गया तो अमने आमा का मसला बनेगा, रोज जुलूस निकल देने, मुसलमाना ने जीना हराम कर देना सारी दुनिया का।
ते होवे ना ते गाजी लमदीन नूं दूर किसे जेल च लै जाओ, इहनूं मियां वाली दी जेल च भेज दिओ दूर दराज इलाके। गाजी लमदीन नूं मियां वाली भेज दिता गया। इधर लाहौर तो गाजी लमदीन नूं ट्रेन दे डब्बे च बुक करा के ते रातों रात मियां वाली भेजा जा रहा है। उधर मियां वाली दे लोक कहंदे ने कि मियां वाली दी गली च इक मजजूब सी, इक दरवेश सी जिहड़ा कदी बोलिया नहीं सी, बोलदा ही नहीं सी। पर जब इधर गाजी लमदीन की ट्रेन टुरी ना तो मजदूब सारी रात मियां वाली दी गलियां च रोंदा फिरदा सी ते उच्ची आवाज नाल बोल बोल के कहंदा सी, लोगों मैं चलिया, एक तलवार एक म्यान च दो तलवारां जिवें नहीं रह सकदियां, इंज एक शहर च दो आशिक भी नहीं रह सकदे। हुण मैं चलिया, जिन्हें नबी का आशिक वेखना होवे सवेरे गाजी लमदीन जाके मियां वाली दी जेल च वेख लवे। उस दिन तो बाद मियां वाली दे लोक कहंदे ने किसी ने उस मजदूब नूं उस तों बाद नहीं वेख्या, वो पता नहीं कित्थे चला गया। इधर गादी लमदीन मियां वाली दी जेल च पहुंच गए। नौजवान गादी लमदीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह जदों मियां वाली दी जेल च पहुंचे तो जिहड़े जेल दे कैदी सन ना उह कहिंदे ने कि असीं बड़े हैरान होए कि जेल च अचानक एक बीमारी फैल गई ते कैदी मर रहे। सारे कैदी जमा होकर गादी लमदीन को लाए, उन्हें आख्या तू नबी पाक का दीवाना ते आशिक है, हर वेले तिलावत करना है, कुरान मजीद पढ़ना है, हर वेले तू नवाफिल पढ़ना है, दुआ कर अल्लाह सानू इस बीमारी तो महफूज रखे। गादी लमदीन ने फरमाया, ओ जेड़े घड़े चो मैं पानी पीना ओ दे चो पिया करो, सारे ठीक हो जाओगे। जेड़ा कैदी उस घड़े चो पानी पींदा सी ओ नहीं सी मरदा, ओ ठीक हो जांदा सी। फिर बड़े बड़े औलिया, बड़े बड़े सियासतदान, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, बड़े बड़े ओहदियां वाले गादी लमदीन नूं मियां वाली दी जेल च मिल जाते हैं। हजरत ताजदार सियाल शरीफ हजरत ख्वाजा जियाउद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह गाजी लमदीन नूं मिलन गए ते आप हाफिज़े कुरान सन। गाजी लमदीन नूं कहन लगे, मैं हाफिज़े कुरान हाँ, तू नाज़रा कुरान नहीं पढ़िया? ते कहंदे ने सूरह यूसुफ पढ़े ना कैदी तो रिहाई मिल जाती है, ते तैनूं मैं सूरह यूसुफ सुनावा? फरमाते ने सुनाओ। हजरत ख्वाजा जियाउद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह सियाल भी आप सुनावन लगे कुरान मजीद। सूरह यूसुफ पढ़ते ने ऐसी आशिक की हैबत आप ते छाई कि आपनों मुतशाबा लगता है, बार बार गलती लगती, बार बार जिथे गलती मुतशाबा लगता ना गाजी लमदीन उतू कहते हजूर इतों गलत हो गया जी। चंद गलतियां गाजी लमदीन ने निकालिया, ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमान लगे, तू नाजरा भी नहीं पढ़िया, मैं हाफिज़े कुरान हाँ, तू मेरिया गलतियां पकड़ना? गाजी लमदीन फरमाते ने हजूर तो सा किसी कारी को फटी रख के कुरान पढ़िया, मैं राती कमली वाले दी निगाहों चो पढ़िया, मैंने राती कमली वाले पढ़ाए। गिरामी कदर हजरात हुण गाजी लमदीन सारे मिलने वास्ते आते, बड़े तस्कर किताबा च मिलते हैं किड़े किड़े शख्सियात मिलन गए, तो उन्होंने कैसे कैसे वाकयात गुजरे, मैं चंद तुम्हें सुना देना। गादी लमदीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह दी पाजी गादी लमदीन नूं मिलन वास्ते आई। गादी लमदीन दी भैन रोंदी है, गादी हसदा है, भैन कहन लगे बीबी रा मैं रोनी आ तू क्यों हसना है? गादी कहन लगे पाजी तू क्यों रोनी है? कहन लगी मेरा जवान वीर टुर चले आए। गादी कहन लगे पाजी जेड़ी गल मैं सुनानी है ओदे बाद तू ही हसया करना है। पाजी कहन लगी वे इलाउंदी ना सुनाओ। फरमान लगे पाजी रात मैं लेटे आओ, मेरे ख्वाब च बड़ा उच्चे लंबे कद नौजवान आया, मैनू आके कहन लगा गादी उठ मैं तेनों वेखने आया। मैं अर्ज की दी लजपाला तुसी कौन हो? फरमाया मैं अल्लाह दा नबी मूसा अलैहि सलाम। मैं अर्ज की दी लजपाला तुसी अल्लाह दे नबी हो, मैं तरखाना दा पुत्तर हाँ, मैनू मिलन क्यों आए हो? आपने फरमाया इलम दीना हर रात मदीने नबियां दी कचहरी मदीने लगदी है। अज बड़ियां रातां गुजरियां ने असी नबी मदीने कट्ठे होने कमली वाला तेरिया ही गल्ला करदा रहंदा। अज बड़िया रातां गुजरियां कमली वाला तेरिया गल्ला करदा रहंदा। मैं आख्या उन्होंने मैं मिलके ना आवाज दिया कमली वाला गल्ला करता है। गाजी लमदीन कह लगे बाजी मैंने राती हजरत मूसा अलैहि सलाम की ज़ियारत हुई है, मां मिलन आई ते मां रोवे ते गाजी हसे। मां कह लगी मैं रोनी हाँ तू क्यों हसना है? अम्मा तू क्यों रोनी है? मां कह लगी अठ दिन उन्हें तेरी मंगनी की थी, तेरी मामू की बेटी ना ते मैं तो सोचा सी जवान होगा खुशियां वेखांगी पोतरे पोतरियां खड़ावांगी ते मैं ते तेरी को खुशी वेखी ना तू टुर चले। गाजी लमदीन मां दे कदमां ते हाथ रख के कहंदे रे अम्मा तू मेरी कोई खुशी नहीं वेखी पर तेरे कदमां दा सदका मैं सारियां खुशियां जेले च वेख लईयां ने।
ते गाजी मां नूं कहण लगे मैं कोई चोरी करदा मरन लगा, मैं कोई डकैती करदा मरन लगा, मैं कोई बीमारी ते एक्सीडेंट नाल मरन लगा, ओदे नां तों मरन लगा जिहदे नां दी सदके या रसूल अल्लाह दीआं लोरियां देंदी रही हैं, मैं ओदे नां तों मरन लगा जिहदे नां तों मरन जाइए बच के आइए गाजी बनी दे, मर के आइए शहीद बनी दे, तेरे पुत्र नूं लोग गाजी भी आख्या करनगे ते शहीद भी आख्या। अज भी उहनूं लोग गाजी इलम दीन शहीद कहंदे ने, वह गाजी भी है ते शहीद भी है। मेरे मिल्लत दे नौजवानों, गाजी इलमदीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह दा जेल च फिर वक्त गुजरता जा रहा, गुजरता जा रहा, गुजरता जा रहा, मुफस्सल गुफ्तगु करा ते बड़ा वक्त दरकार है। आखिर रात आई जिन 31 अक्टूबर 1929 ईस्वी की रात, कहते गाजी इलमदीन की आखिरी रात जो सुबह फांसी लगनी सी, उस रात गाजी इलमदीन की बैरक का पहरेदार, मैं खुद भी सजाए मौत की चक्की विच नबी पाक की इज्जत वास्ते 2 महीने रह के आया जेल च। मैं पता है कि उस जेल के उस खाने जिथे सजाए मौत की चक्की आती है, जिथे बड़े बड़े मुजरम भी नहीं रात को रह सकते, असा उत्थे रातां गुजारियां ने, सर्दियां दी रातां फर्श ते लेट के असा 2 महीने गुजारे ने। गाजी इलमदीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह जिस बैरक च रहे, अज तक उस बैरक च गाजी इलमदीन तो बाद कोई कैदी रह नहीं सकया। इंटरनेट से तलाश करके वेख लो, किताबा च जाओ पुछ के वेख लो, अज भी गाजी इलमदीन का कमरा बंद है, उत्थे कोई कैदी नहीं ठहरदा। जिहड़ा कैदी उत्थे ठहरांदे सानू कहिंदा सी राती इत्थे मैनूं अजीब आवाज़ां आउंदियां ने, उहने भी आखिया इत्थे मैं कल्ला ही रह चलिया, मेरे बाद कोई नहीं रहेगा। जिहड़े नज़ारे गाजी इलमदीन उत्थे कर गया, मैं ते जेल चो जदों आया ते मैं घर वाले नूं आखिया सी, मैं आखिया पता लग गया मैनूं ये जेल च जाके जिहड़ियां मुसल्ले ते मंजिलां तय नहीं ना आउंदियां, और नबी पाक दे दीवाने नूं जेल च रख के कराईआं जांदियां ने। मैनूं ते आई समझ आई मुसल्ले ते ओ मंजिलां तय नहीं होंदियां जिहड़ियां रसूलुल्लाह दे गुलाम नूं उत्थे रख के कराईआं जांदियां। आई मेरे ताजदारे चूड़ा शरीफ ने मैनूं जेल च पैगाम भेजिया सी, पुत्रा चुप करके सबर करके बैठी रवी, इंशाअल्लाह तेरे मरतबियां दी बुलंदी दा वायस बनेगा। गाजी इलमदीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह आखिरी रात है, बाबा नवाब दीन आप दी बैरक दा पहरेदार, वह कहता मैं पहरा पिया देवा, तो राती 12 बजे मैं अंदर वेख्या तो गाजी इलमदीन नफल पिया पढ़ते, थोड़ी दूर बाद मैं वेख्या तो गाजी इलमदीन खलो के दरू शरीफ पिया पढ़ते, कहता राती 2 बजे तो मैं अचानक अंदर जाती मारी तो गाजी अंदर ही कोई नहीं। बोले ही नहीं बाबा नवाब दीन, ए गाजी इलमदीन की शहादत तो बाद जिहड़ा पहला ताजीती जलसा लाहौर होया सी ना, उस लाहौर के जलसे के स्टेज उत्ते बाबे नवाब दीन ने गल सुनाई सी। मैं देखा कि रात 2 बजे गाजी अपनी बैरक च कोई नहीं, तो मैं हैरान रह गया कि ताला मैं लगाया दरवाजे अगे मैं बैठा, दीवार फटी कोई नहीं, दरवाजा टुटा कोई नहीं, ताला टुटा कोई नहीं, गया कितने। हजरत शाह मंसूर रहमतुल्लाह अलैह ने जब अनल हक का नारा लगाया ना, तो लोग आखे नु कैद कर दियो सूली चढ़ा दियो, कहंदे मैं रब हां माज़ अल्लाह, इन्हें खुदाई का दावा किया। लोगों ने आपनों कैद किया, तो पहले दिन मुरीद मिलन आए ना, तो उन्हें देखा कि हजरत शाह मंसूर जेल च ही कोई नहीं, लोग चले गए कि पता नहीं दरवेश कितने गए। अगले दिन आए तो कल मंसूर कोई नहीं, आज जेल भी कोई नहीं। तीसरे दिन आए तो जेल भी उथे तो मंसूर भी उथे। लोग हाथ जोड़ के मुरीद अर्ज की, सोना तेरी समझ से किसी आई कोई ना, आ कि खाते कितने गए सो। फिर मैं पहले दिन आए सो तो मैं कोई नहीं सोना, आख्या जी। आख्या दूसरे दिन आए सो तो मैं भी कोई नहीं, जेल भी कोई नहीं, आख्या जी। आख्या पहले दिन मैं यार को गया होया सा, दूजे दिन यार मेरे को आया होया। गाजी इलमदीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह दा पहरेदार बाबा नवाब दीन कहंदा रात 2 बजे गाजी इलमदीन कोई नहीं, ते राती 4 बजे मंदर छाती मारी ते गाजी अंदर चुप मार के बैठा हुआ है। बाबा नवाब दीन कहंदा फिर मैं ताला खोल के अंदर ही चला गया, ते मैं अजे जाके कदम फड़े ते मैं आख्या इलमदीन मैनूं माफ़ी दे दे। रोज इशा तो बाद तेरी कुल्ली चो गल्लां दी आवाज़ां आउंदियां सन, ते मैं तैनूं झटका मारदा सां किहदे नाल गल्लां करना, पर तेरा पता ते अज लग्गिया। ते जांदा जदा मैनूं दस जा कित्थे गया सी। गाजी इलमदीन अजीब मस्ती विच ते बाबे नूं कहण लगा बाबा जिहड़े महरम राज हकीकतां दे, ओह राज हकीकत खोलदे ने, जिन्ना नहीं वेख्या ओह करन गल्लां, जिन्ना वेख लिया ओह ते बोलदे ही नहीं, ओह ते बोलदे ही नहीं। बाबा नवाब दीन कहण लगा ओए इलमदीना तैनूं तरखाना दिया पुत्रा, तैनूं मुहम्मद दीआं ज़ुल्फां दा वास्ते जिद्दों तूं मरन लगा, मैनूं दस जा कित्थे गया।
ਤੇ ਗਾਦੀ ਲਮਦੀਨ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਹੀ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਨਾ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਗਾਦੀ ਲਮਦੀਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਡਲ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ ਰਾਤ ਹੈ। मैं मदीने वाल मुंह करके अर्ज की थी कमली वाले किसे ने कयामत तक उमरा करने आना तेनों मिल जाना है किसे ने सुनिया हज दे बहाने मिल जाना है। कमली वाले मैं तुर चलिया मैं मुड़े आना कोई नहीं सोने दुनिया मैंने मारेगी कमली वाले दे नाते मरे उन्हें दीद भी नहीं कराई अर्ज की थी कमली वाली आया श्री वेले दीद करा दे मेरे महिया एक बारी आ जा। गादी कहंदे मैं उठ के मदीने वल मुंह कर लिया ते रोकी अर्ज की याद तेरी दा मदीबा बालिया ए याद तेरी दा मदीबा बालिया याद तेरी बालिया हुन आवी जा बल्लैन ज़ुल्फ़ा गोरिया वाली वाले हो। बस मैं आखिरी गल्ला उन करन लगा इंज करो जिन्ना घर ए दस के आयो महफल ते चले आ लोग वेखन चले आ मौलवी साहब सुनन चले आ उनों ते मेरी दावत नहीं ते जेड़ा घर ए दस के आया ना नबी दी यादां दा दीवा पिया बलदा मैं भी बालन चले आ। इस तरह हाथ खड़े करो सारे इस तरह नहीं करने आज इस तरह सारे अखियां बंद कर लो सारे अखियां बंद कर लो अपने सिर झुका लो गुंबद खिदरा दा तसव्वुर करके ना हुण गुंबद खिदरा वल इंज वेखो जिवें सवाली सवाल करके सखी दे चेहरे वल वेखदे सारे भाई सारे हुण मिल के सारे लहरा के पड़िए आवी जा बल्ले ज़ुल्फ़ा वालिया हुण आवी जा बल्ले ज़ुल्फ़ा वालिया ए ज़ुल्फ़ा वालिया हुन आवी जा बल्ले ज़ुल्फ़ा वालिया आवी आवी ना चिर लावी जान तेरे तो वारी तू ए जान ईमान दिले दा तुद बिन मैं किस कारी हुन आवी जा बल्ले ज़ुल्फ़ा वाले आओ सह सह बार चढ़ी कोठे ते मैं उतरी सह सह बारी हुन ती आ जा कमली वाले आओ तू जिते ते मैं हारी आवी जा बल्ले ज़ुल्फ़ा वाले आ ए ज़ुल्फ़ा वाले आ हुन आवी जा बल्ले ज़ुल्फ़ा वाले आ कमली वाले आओ साडे कोल सिद्दक अबू बकर वरगा नहीं साडे कोल अली उमर वरगा नहीं साडे कोल हया उस्मान वाली नहीं साडे कोल शुजा अली वाली नहीं साडा इश्क भी बिलाल वरगा नहीं साडी उदीक भी उवैस वाली नहीं पर जे कदे आ जाए तेरा जांदा कुछ नहीं साडा कम बन जांदा ई आवी जा बल्ले ज़ुल्फ़ा वाले आओ ए ज़ुल्फ़ा वाले आओ हुन आवी जा बल्ले ज़ुल्फ़ा वाले आओ। गादी कहन लगे बाबा मैं आवाज़ा पे मारना अचानक मेरी खुली च चानन हो गया एक घोड़े ते सवार बड़ी नूरी शक्ल वाला आया आके मैनू कहन लगा गादी उठ उठ गादी तेनू नबी पिया बुलांदाई मैं पूछया तुसी कौन हो फरमाया मेरा नाम मौला अली गादी लमदीन कहंदे ने फिर मैं मौला अली दे नाल गया मौला अली फरमा अख बंद कर मैं अख बंद कीती आवाज आई अख खोल
अख खोली ते हजूर दी कचहरी लगी हुई सी। आ दो घंटे मैं नबी करीम को गुजार के आया। हजूर ने फरमा गाजी लमदीना जी आखे ते इत्थे रख लईए ते जे आखे ते दुनिया दे तकाजे पूरे करने ने एक बारी सूरी चढ़ जा चढ़न के ओ ते उतारन लई मैं आप आवांगा। गाजी लमदीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह नूं सुबह फिर फांसी लग गई। मेरी मिल्लत दे नौजवानों जदों फांसी दा वेला आया ना जेल दा जरनल पहरेदार जिहड़ा जेल दा दरोगा सारे डॉक्टर सारे करीब खड़े सन। सुपरिंटेंडेंट जेल कहंदा कि इहदे चेहरे ते ओ लिबास पहनाओ जिहड़ा फांसी दे वेले पहनाया जांदा। गाजी लमदीन ने फरमाया ना ना मैं कैदियां वाला लिबास पाना है। जल्लाद करीब आया ते फांसी दा और रस्सा आप दे गले च डालन लगा ते आपने फरमाया तू भी हट जा मैं आप गले च पावांगा। सुपरिंटेंडेंट ने आख्या भाई अपने गले च आप फंदा पाइए तो खुदकुशी होंदी है। गादी लमदीन ने फरमाया तू अकल वाले मैं इश्क वाला मैं फंदे नूं इस वास्ते गले पिया लगाना आए मेरे गले लग मैं यार दे गले जा लगना है। बस फिर कलमा तैयबा पढ़ दे ते दुरूद शरीफ पढ़ दे गादी लमदीन फांसी ते झूल गए। मेरी मिल्लत दे नौजवानों अंग्रेजा ने फांसी तो फौरन बाद आपनूं जल्दी जल्दी कब्रस्तान जिहड़ा लावारसां दा कब्रस्तान सी ना जेल दे अंदर उत्थे ही दफन कर दिता। पाकिस्तान दे अंदर फिर उस वेले बड़े सगीर दे अंदर एहतजाज होए जुलूस निकाले गए ते मुसलमानां ने आख्या लानतीओ उहनूं लावारिस करके दफन किया जे जिहदा करोड़ां वारस ने। अलामा मुहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह उस वेले फिर गवर्नर पंजाब नूं मिले अंग्रेज़ नूं मिल के आपने फरमाया इलमदीन साडा वापस करो असानूं लाहौर दफन करना है। उन्हें आख्या गरंटी दिओ कि कोई अमने आमा दा मसला नहीं बनेगा कोई जुलूस नहीं निकलेगा। अलामा इकबाल ने दस्तखत करके दिते फरमाया मैं गरंटी देना कोई जुलूस कोई अमने आमा दा मसला नहीं बनेगा। गाजी इलमदीन की कब्र मुबारक नूं 8 दिन बाद खोदिया गया। वो जिन्हें कबर खोदी सी कहें रब्बे काबा की कसम 8 दिन बाद असं वेख्या कि गाजी इलमदीन दियां अखां दियां पलकां उत्ते अजे तक गुसल दे पानी दे कतरे खलोते हुए सन। उन्हें पानी दे कतरियां भी आख्या या अल्लाह ए अखियां रज रज चुम लैंदे जिन्हें रज रज के मुहम्मद की थीद कीती। फिर गाजी इलमदीन नूं लाहौर लियाया गया ते गाजी इलमदीन दा जनाजा पढ़िया गया। 6 लख इंसान ने गाजी इलमदीन दा पहला जनाजा पढ़िया। 6 लख इंसानों ने हजरत सैयद दीदार अली शाह साहब मुहद्दस अलवरी रहमतुल्लाह अलैह ने जनाजा पढ़ाया। जनाजा पढ़ के जनाजा उठा के जदों टुरे ना आओ मियानी साहब कब्रस्तान दाता पिया के कदमों वाल सारे दफन करने वास्ते जा रहे। 6 लख इंसानों का समंदर गाजी इलमदीन दे नाल रोंदा जा रहा। उस इंसानों के समंदर के अंदर बड़े बड़े मुहद्दसीन सन बड़े बड़े फुकहा सन बड़े बड़े सज्जादा नशीन सन बड़े बड़े सियासतदान ते ब्यूरोक्रेट ते बड़े बड़े सियासतदान ते बड़े बड़े जुब्बे ते दस्तारां वाले बड़े बड़े उत्थे गाजी इलमदीन दे जनाजे नाल भेजांदे। हजरत पीर जमात अली शाह साहब दे पैर मखलूक दे पैरां थले चिथे गए। आप दी पगड़ी जमीन ते डिग पई। पीर हैदर शाह जलालपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने आप दी पगड़ी उठा के चाड़ के सिर ते रखी ते कहंदे ने शाह जी की होया जे मत मारी गई जे। हजरत पीर जमात अली शाह चीख मार के रो के फरमाते ने शाह जी मतां ते आपे ही मारियां जानियां सन साडे नाने दी तुहीन होई सी बदले असा सैयदा लैणे सन तरखाना दा मुंडा ही बाजी लै गया जे। आओ वेखो तरखाना दा मुंडा ही बाजी लै गया जे। गाजी इलमदीन नूं फिर जदों कबर च उतारन लगे ते अलामा इकबाल कबर दे विच आप उतर गए। कबर दे विच लटा के ना ते गाजी इलमदीन दा कफन हटा के ते कान च फरमान लगे तरखाना दे आ पुत्रा तेनों ते लावारस करके अंग्रेजा ने मियां वाली दी जेल च दफन किया सी। तेनों मैं अपने दस्तखत करके ते अपनी गरंटी उत्ते तेनों मैं लाहौर दाता दे कदमां च ले आया ते इलमदीना तेरे ते मेरा एहसान है। जे एहसान दा कोई बदला देना ही ना ते थोड़ी देर बाद तेरी कबर च कमली वाले उन्हें ने मेरा सलाम कह देवी मेरे आका नूं मेरा सलाम आके ते कमली वाले नूं अर्ज करी सोने बड़े सगीर च तेरे मुसलमान रुल गए नहीं कमली वाले ते अपने गुलामां नूं एक पाकिस्तान अता कर दे। जिहड़े पाकिस्तान च तुसीं पे वसदे हो ना बुरे वाली वाले ये पाकिस्तान उस सिफारिश नाल बनिया जिहड़ी अलामा इकबाल ने गाजी इलमदीन कोलों कमली वाले दी बारगज करवाई सी।
उस सिफारिश का सदका कायद आजम फरमाते सन मैंने पाकिस्तान बनाने का ख्याल ही उदो आया जो गाजी नमदीन फांसी का हुक्म होया ते मैं आख्या मुसलमानों बड़े सगीर हिंदुआ इतने मुसलमाना की नहीं सुनी जाती सानू को वक्रा मुल्क बनाना चाहिए जिथे साड़ी सुनी जाए इस वास्ते गाजी लमदीन रहमतुल्ला ले असल बानी है पाकिस्तान है ग्रामी कदर हजरात इस मुल्क दिया बुनियादा च गाजी लमदीन का खून है इस बुनियादा के अंदर मुल्क के अंदर आशकाने रसूल का खून है ये इश्क रसूल की बुनियाद से मुल्क बनया ग्रामी कदर हजरात फिर जो मट्टी डाल के गाजी लमदीन की कब्र बनाई गई तो अलामा इकबाल ने उठ के गाजी लमदीन की कब्र सल्यूट किया तो सल्यूट करके फरमाद ने वाह चढ़िया जीना इन्हीं का जीना मरना इन्हीं का मरना एक बांकपन से जीना एक बांकपन से मरना शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन न मालिक नीमत न किश्वर को शाही दुनी मिन की ठोकर से सहरा उतरिया समट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई।